मेरी एक ये मेरा दूसरा विवाह था। पहले एक मेरा विवाह हो चुका है और उनकी असमय मृत्यु हो गई। उससे मेरा एक पुत्र है और उनकी मृत्यु के पश्चात 2013 में नवंबर महीने में अक्टूबर महीने में मेरा दूसरा विवाह हुआ। और ये विवाह घर वालों के प्रेशर की वजह से इंटरनेट के माध्यम से ही मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हुआ था और उस पर उनका एक हिंदू प्रोफाइल बना हुआ था। और उस शादी के पहले भी वो एक बार देखने आए और फिर वहाँ सपरिवार जाकर हिंदू रीति से शादी हुई मेरी। और शादी के वक्त ये डिसाइड हुआ था कि क्योंकि मेरा एक पुत्र है, ये डिसाइड हुआ था कि दूसरा इशू नहीं लेंगे। लेकिन फिर शादी के बाद दूसरे इशू के लिए दबाव दिया जाने लगा। मीनवाइल एक अबॉर्शन भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उनके प्रेशर की वजह से मैंने दूसरा बच्चा लिया और वो एक लड़की हुई। और चूँकि उनको लड़की नहीं चाहिए थी और उसके बाद से ही घर में उनका व्यवहार बहुत सा बदल गया, पहले से चेंज हो गया। धीरे धीरे चीज़ें खुल के सामने आने लगी। वो शराब पी के घर में आके लड़ाई झगड़ा और इस तरह का व्यवहार करने लगे और मारपीट करना शुरू करा। फिर रात रात नहीं आना शुरू हुआ। फिर धीरे से एक दिन नशे की हालत में उन्होंने ये बताया कि उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, वो तो मुस्लिम है और वो दूसरा विवाह करना चाहते हैं। धीरे धीरे चीज़ें इस तरह से स्पष्ट होने लगी। और जब उन्होंने इस तरह से बताया कि वो इस्लाम धर्म के को अपना चुके हैं, तो उन्होंने हमारा भी पूजा पाठ करना पे पाबंदी लगाई और हमको वामन मेश्राम के शराब पी के रात में आकर वामन मेश्राम के धर्म प्रवचन और जो भी धार्मिक गुरु हैं उनके धर्म प्रवचन सुनाने लगे। घर में पूजा पाठ करने पे रोक लगा दी गई। जितने भी मूर्तियां या वो हमारे फोटोग्राफ्स ये सब थे वो फेंक दिए गए और मंदिरों में जाना और इस तरह से जाने पे हमारी रोक लगाई गई ताकि मैं चली जाऊँ। मारपीट करने लगे ताकि मैं उनको छोड़ के चली जाऊँ, मुस्लिम धर्म अपना लूँ ताकि वो दूसरा जिससे विवाह कर, मुस्लिम धर्म में चार शादी की अनुमति है, तो मुस्लिम धर्म अगर मैं अपना लेती हूँ तो वो उससे विवाह कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें और बढ़ती गई तो मैंने उनके परिवार वालों को बताया। परिवार वालों ने किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबने ये कहा कि चूँकि वह घर आ रहे हैं तो मुझे सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और शांत रहना चाहिए। और वो महिला उनकी सिर्फ दोस्त है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें और पता चलता गया, सारी चीज़ें स्पष्ट होती गईं कि उनके उसके साथ अवैध संबंध हैं और वो अब दुबई उसके साथ दुबई जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जिस रात गैस पाइपलाइन की घटना हुई, मेरे आने के दो एक दिन पहले ही ये गैस पाइपलाइन की घटना हुई, उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि अब मेरा यहाँ रहना और मेरे बच्चों का यहाँ रहना मेरे लिए सेफ नहीं है। फिर मैंने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट मैंने 23 तारीख को प्रथम जो आवेदन है वो दिया और कल दो 4 बजे के आसपास FIR दर्ज हुई। और अभी तो पुलिस इसकी वो कर रही है जांच। तो क्या आपको जानकारी थी कि वो मुसलमान है? यही मेरा मेरे साथ धोखा हुआ। वो जो प्रोफाइल बनाई गई थी वो एक हिंदू प्रोफाइल थी और मुझसे विवाह हिंदू रीति से ही किया गया। और जब मेरी बेटी लड़की हो गई उसके बाद उनने ये स्पष्ट किया कि मैं पहले से मुस्लिम हूँ। उनने मुझे एक सर्टिफिकेट दिखाया और इसको दिखाकर ये बोला कि ये मेरे मुस्लिम होने का मुस्लिम स्कॉलर हूँ मैं, मेरा नाम अमित नहीं अमीन है। और जिस वक्त वो बाहर थे उस वक्त उनने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो जब उनका धर्म दूसरा था तो उनने मुझसे हिंदू रीति से विवाह क्यों किया? ये मैंने मुझे धोखा दिया। 420 का एक केस बनता है। दूसरा, ये सिर्फ लव जिहाद एक शब्द है या आप किसी को इस तरह से चीट नहीं कर सकते? दूसरी चीज़, अगर आपका किसी के साथ संबंध था पहले से तो आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तीसरी चीज़, वो मुस्लिम बन गए। क्यों मुस्लिम बन गए? हम हिंदू थे, वो क्यों मुस्लिम बन गए? कुछ हमारे कौन से थाने में FIR दर्ज हुई? सुखी सेवनिया थाने में हम रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, लेकिन उस वक्त वहाँ के TI छुट्टी पर थे, तो जो CSP हैं अयोध्या नगर थाने के, उनने हमारी कंप्लेंट ली।